Hello everyone, welcome on Grasping Python. Today we are going to discuss about CCT practice test number 6. CCT means creative and critical thinking. जैसा कि आपको पता है CBSE अक्टूबर 2019 से क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, CCT टेस्ट के नाम से एग्जाम जाना जाता है। CCT आपका क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना है। तो इस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर तीन सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है। उनका रीडिंग स्किल टेस्ट की जाती है, साइंस का सब्जेक्ट उनका टेस्ट किया जाता है और मैथमेटिक्स का टीचर सब्जेक्ट टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक लेटर आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये लेटर आपका 6th ऑफ जुलाई 2020 के अंदर आया है। और इस लेटर के अंदर क्या करना है, क्लास 6 से लेकर और क्लास 10 तक के बच्चों को इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करना है। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक लिंक दे रखा है, ये लिंक आपका फिक्स है, इसी लिंक को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब मैं चलता हूँ, कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ। जैसे वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया और इसके अंदर उस लिंक को पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए लिंक आपका दीक्षा पोर्टल को डायरेक्ट करेगा और दीक्षा पोर्टल पे आपका ये आ जाएगा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस अंडरस्कोर केवी। केवी स्टूडेंट्स के लिए, अगर जेएनवी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अलग है, ऐसे अदर स्कूल्स का यूआरएल अलग अलग दे रखा है। जब आप फर्स्ट टाइम दीक्षा पोर्टल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप स्टूडेंट है, टीचर है, एनी अदर, तो आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपसे आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करवाता है और लैंग्वेज सेलेक्ट करवाता है, तो आप वो कर लीजिए अपने सिस्टम के अंदर। आप मोबाइल के थ्रू भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे ये लिंक आपका ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस, और यहाँ पे आपका दे रखा है ये किस चीज का है, कौन से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये केवीज के लिए और यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, सीबीएसई। अब इसमें आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको दे रखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आप उस पे पेज पे चले जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कह रखा है कि अबाउट द सीसीटी प्रैक्टिस, इसमें ये बोल बता रखा है कि टेस्ट के बारे में क्या है। द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज एम टू इंश्योर द स्टूडेंट एंगेज विद इंटरेस्टिंग हायर ऑर्डर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एंड डेवलप द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देन इसके बाद आप इस पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जो आपको एरो दे रखे उसके अगर अकॉर्डिंग आप लेफ्ट और राइट में मूव कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है कि दिस क्विज इज बिगिन द एडमिनिस्ट्रेट बाय द सीबीएसई यूजिंग द दीक्षा पोर्टल, जैसा कि आपको पता है। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 to 10, बट केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है एज पर द लेटर भी मैं आपको उत्साह से करूंगा। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन सीसीटी प्रैक्टिस विदाउट फिलिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ओनली क्लास एंड यूडाइस स्कूल कोड इज मैंडेटरी। इफ यू आर द स्टूडेंट इंश्योर दैट यू हैव द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियन एंड पार्टिसिपेट इन द सीसीटी प्रैक्टिस। अब कहने का मतलब क्या है कि आप स्कूल का यूडाइस कोड और स्कूल का नेम कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा तो आप अपने क्लास टीचर से और अपने स्कूल के टीचर से आप बात करके अपने स्कूल का यूडाइस कोड दे दीजिए और उससे आप क्या कर सकते हैं, स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करना और अपने पेरेंट्स से भी आपको कंसर्न लेना है। एज ए पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ ए स्टूडेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द बेसिक मिनिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड वार्ड एंड बाई प्रोवाइडिंग इट यू कंसर्न टू बी द इन्फॉर्मेशन बीइंग यूज्ड इन द मैनर ऑफ डिस्क्राइब ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम बात करेंगे। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बता रखा है क्या पर्पज है। द बेसिक पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस सीसीटी प्रैक्टिस टेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लर्निंग एनहांसमेंट एंड फॉर सिस्टमेटिक रिफॉर्म पर्पज। हु हैज एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, केवल सीबीएसई ही इसको एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। इतने साथ जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे वो सिक्योर है।
नाउ अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। और पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पार्टिसिपेंट्स की क्लास आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेवेंथ क्लास या एट्थ क्लास जो भी आपको सिलेक्ट करना है। स्कूल यूडाइस कोड के लिए आपको अपने सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर साइंस मैथ और इंग्लिश के टीचर से आप बात करेंगे, वो आपको स्कूल यूडाइस कोड आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये आपके क्लास टीचर प्रोवाइड करेंगे। देन पार्टिसिपेंट्स स्कूल नेम आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालना है, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा केवी का है तो केंद्रीय विद्यालय कौन सा है। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी और इंग्लिश, अगर आप हिंदी में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी HIN जो आप यहाँ पे लिख रखा है, और अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आपको ENG लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट करिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट में दे रखा है, यू हैव टोटल ऑफ 90 मिनट्स टू कंप्लीट द क्विज, देर आर द 7 यूनिट विद अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच यूनिट विल बी डिस्प्ले फर्स्ट आफ्टर रीडिंग द सेम, यू विल एबल टू सी द क्वेश्चंस ऑन द सब्सिक्वेंट पेज, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 mark ईच एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये कि 7 मिनट होंगे जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट के अंदर आपको पूरी क्वेज को अटेम्प्ट करना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हाउ टू टेक द क्विज, इसमें आपके सामने स्क्रीन इस तरीके की आएगी जिसमें ये बता रखा है डू नॉट क्लिक ऑन दिस मेन्यू, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, जो यहाँ पे 3 dots दे रखे हैं। काउंट डाउन टाइमर, यहाँ पे आपका टाइमर चलेगा जो 90 मिनट आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके क्वेश्चन की कम्प्लीट जो एक्सपेंड हो जाएगा। देन अगर आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा यहाँ पे, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आप क्लिक ऑन दिस बटन टू डिसलेक्ट द मार्क आंसर, आपने जो सिलेक्ट कर रखा है डिसलेक्ट हो जाएगा, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको इसको जूम करना है इमेज को तो अंदाज आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन, इस तरीके का डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि द पेज विल बिगिन व्हेन यू क्लिक द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली यूनिट आ रही है पेन ड्राइव, और यहाँ पे आपने देखा होगा ये टाइमर आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करिए, अब आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, व्हाई इट इज अ पेन ड्राइव, आप इसको पढ़िए। देन इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहाँ से आप जो भी क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है वो सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया, आप डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या करिए डिसलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पे किया तो डिसलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इस तरीके से आपको क्या करना है अपना क्वेज को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फिर सेकेंड यूनिट आपका आ गया यहाँ पे द राइज ऑफ टी, बैक अगर आप चाहते हैं वापस फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पे जाकर आप फर्स्ट यूनिट पे आ गए, अटेम्प्ट यहाँ से फिर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग लेफ्ट और राइट बटन आप नेक्स्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं, सेक्शंस पे आप मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 7 यूनिट होंगे। मैं 1 by 1 सारे यूनिट्स आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पढ़ना, ये रीडिंग सेक्शन है, फिर ये आपका मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आ गया, देन इसके बाद नेक्स्ट आपका ये आ गया मैथमेटिक्स चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, ये आपका फिर अगेन रीडिंग सेक्शन आ गया, फिर साइंस सेक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है अपना जो 1 hour 30 minutes के अंदर इस पूरे क्विज को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद देखिए मैं भी अटेम्प्ट करते हुए नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में, जिसमें भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यहाँ पे आपको टाइप करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इसके बाद 7 यूनिट पे आप थर्मामीटर पे पहुंचे, इट मीन ये आपका साइंस से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ लीजिए, और इसके लिए इसके जो क्वेश्चन आएंगे ये सारे क्वेश्चन, अगर आप वापस मान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन कर चाहते हैं तो आप बैक जाकर आप वापस देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है। क्लास 6 के लिए भी है ये क्विज, वैसे जो दीक्षा पोर्टल पे दिखा रखा है कि क्लास 7 से लेकर 10 तक के बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, बट एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 6 के बच्चों को भी पास करना है। इस तरीके से आपको ये क्विज हो जाएगा, जब लास्ट पे जैसे आप सबमिट करेंगे
तो यहाँ पे देखो आपने क्विज को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद कितने टाइम में आपने क्विज को कंप्लीट किया है? अगर आप 1 आवर 30 मिनट में कंप्लीट नहीं करते तो क्विज अपने आप ही आपके खत्म हो जाएगा, देन यहाँ पे आपका स्कोर आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, जब आप क्विज अटेम्प्ट कर लोगे तो उसका स्क्रीन शॉट लेके आपको अपनी क्लास टीचर्स को भेजना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। देन इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट पे क्लिक करने के बाद। तो इस तरीके से आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। एक बार फिर बताना चाहूंगा केबी स्टूडेंट्स के लिए लिंक ये दे रखा है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर जो जो करेक्टर्स आपको दे रखा है उसी तरीके से आप अपने एड्रेस बार में टाइप करके भी आप जा सकते हैं। यूडाई स्कोर के लिए आप अपने स्कूल के टीचर से कॉन्टेक्ट करिए। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10, क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 8 तक का दे रखा है साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बट केंद्रीय विद्यालय के अंदर यहाँ पे 6 क्लास के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो मैं भी आप लोगों को एक लेटर दिखा देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से लेटर आया है। देखिए लेटर जो स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट प्रैक्टिस नंबर 6 है। इसके अंदर क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद ये इसकी जो डेट है वो आपके 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे क्या होगा, यू आर देखिए इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट द प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर टीचिंग इन मैथ साइंस इंग्लिश इन क्लास 6 to 10 टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द होम एट एनी टाइम फ्रॉम July 7 to 13। इसके बाद इसमें ये भी लिख रखा है इन ऑर्डर टू कैप्चर द डेटा फॉर एनालिसिस स्टूडेंट वुड बी आस्क्ड टू फिल देयर क्लास स्कूल कोड एंड स्कूल यूडाई स्कोर एंड स्कूल नेम भी आपको फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ पे बता रखा है कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह आपको बता रखी है। डेट्स ऑन दिस टू बी अटेम्प्ट 7 जुलाई से 13 जुलाई तक आपको चलना है। मैक्सिमम टाइम आप 1 आवर 30 मिनट के अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो अपने क्लास टीचर को अपनी क्विज अटेम्प्ट करने का जो स्क्रीन शॉट है वो आप भेजिएगा। उसके बेस पे क्लास टीचर ये रिकॉर्ड बनाएंगे जिसके अंदर क्लास 6 के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 पे रिकॉर्ड अपने क्लास टीचर्स को बनाना है। तो आप लोग जैसे ही क्विज अटेम्प्ट करते हो तो अपने स्क्रीन शॉट अपने क्लास टीचर को आप लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो ये था आपका क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जैसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर इसका लिंक, केंद्रीय विद्यालय संगठन का लिंक भी आपको मिल जाएगा और नवोदय विद्यालय संगठन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय के वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो उनका लिंक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका लिंक कौन सा है। वो कैसे चेक करेंगे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अंडरस्कोर केवी, अगर दिखा रहा है तो केवी स्टूडेंट्स के लिए, और अगर यहाँ पे जे एन वी दिखा रहा है तो जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो इस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है आपको वो कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।